तो एक क्वेश्चन आया था कि लैपटॉप में माउस कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अगर देखो, माउस सबसे पहले तो आप क्या है कि आप अमेज़ॉन से या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से पहले तो आपको माउस ख़रीदना पड़ेगा। अब माउस जो है वो डिपेंड करता है आप कौन से वाला ले रहे हो। तो अगर तो जैसे आप टाटा केबल वाला ले रहे हो तो वो आपको 100 से मिनिमम 200 से वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप वायरलेस के लिए जाते हो तो वो रेंज ऊपर चली जाएगी, 500,000 तक भी जा सकती है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप जैसे डाटा केबल वाला लेते हो तो उसकी, देखो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक दिखा देती हूँ। जैसे कि ये माउस है, ठीक है, तो ये माउस है। अब ये माउस एक ये तार वाला है, ठीक है, तो इसके साथ ये एक केबल है, ये अटैच्ड केबल है। तो अब इसको हमने अगर अटैच करना है अपने लैपटॉप के साथ तो कैसे करेंगे। देखो, जो हमारी पेन ड्राइव वाली स्लॉट होती है, पेन ड्राइव वाली स्लॉट मैं प्रीवियस वीडियोस में बता भी चुकी हूँ कौन सी होती है। हाँ जी, पेन ड्राइव वाली स्लॉट होती है जो बिल्कुल ज़्यादा बड़ी नहीं, जैसे कि ये वाली स्लॉट, देखो मैं आपको दिखाती हूँ लैपटॉप में ये वाली स्लॉट है। अब ये वाली स्लॉट तो ज़्यादा बड़ी है, देखो, है ना। और हमारा पेन ड्राइव का ये इसमें तो छोटा पड़ रहा है ना। तो हमें बिल्कुल उसके साथ वाली स्लॉट ढूंढनी है। आपके लैपटॉप में या तो राइट साइड में होगी या लेफ्ट साइड में होगी। तो ये देखो, ये वाली स्लॉट लग रही है ना बिल्कुल, जहाँ पर पेन ड्राइव भी लग सकती है और ये भी लग सकती है, या कोई भी डाटा केबल भी लग सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी तार लेनी है, ठीक है, ये माउस की तार है ना, ये माउस है, देखो माउस की तार है, माउस की तार लेनी है आपने। और इसको इस तरह से इसके अंदर, देखो इधर से जाने ना, तो ऐसे करके कनेक्ट होगा, है ना, ऐसे करके कनेक्ट कर देना है। जैसे ही इसके साथ कनेक्ट होगा आप अपने लैपटॉप में, फिर आपको टच पैड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा अपना माउस को यूज़ कर सकते हैं। माउस के नीचे कोई भी आप की पैड रख दें, या फिर आप डायरेक्टली अगर कोई ऐसे चादर वगैरह है या कोई बुक पड़ी है तो भी माउस चल जाएगा। तो फिर माउस से ही आपका टच स्क्रीन चलना स्टार्ट हो जाएगा, आपका कीपैड चलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको टच स्क्रीन इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको आप तब भी यूज़ कर सकते हैं माउस को, जब आपका टच पैड ख़राब हो तब भी आप अलग से माउस कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर जैसे आपका वायरलेस है, तार वाला नहीं है, जैसे तार वाला नहीं है, तो उसमें फिर वो कनेक्ट होगा वाईफाई से या फिर ब्लूटूथ से। वो कनेक्ट होते हैं वाईफाई या फिर ब्लूटूथ से। तो उसमें आपको ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा माउस का, या फिर वायरलेस। मैंने क्योंकि यूज़ करके देखा नहीं है वायरलेस वाला, तो मुझे, मैं इतने ढंग से नहीं बता सकती, लेकिन अगर कभी मेरे पास होगा तो आए तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है, जैसे फ़ोन को आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, है ना, वो कैसे करते हैं, या तो ब्लूटूथ से करते हैं या फिर वायरलेस, और क्या होता है, आप अपना इधर से या तो ब्लूटूथ से करते हैं या फिर आप ये क्या बोला था मैंने, हाँ जी, ब्लूटूथ से कर सकते हैं या फिर हॉटस्पॉट वगैरह से, है ना। तो उस तरह से ही होगा, इंटरनेट के थ्रू होगा या वैसे ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा वायरलेस वाला, आई थिंक ऐसे ही होगा। हाँ जी, तो उसमें ऑप्शन दिया होगा और उसमें इंस्ट्रक्शंस भी दी होंगी, लेकिन अगर आपका तार वाला है तो वो इस तरह से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो यूज़फुल थी, और अगर यूज़फुल थी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ये जो लाइक्स होते हैं ना और कमेंट्स और ये सब्सक्राइब, इसके कोई पैसे नहीं मिलते, ये सब फ्री होता है। तो मुझे जिसने नेगेटिव कमेंट किया था ना, उसने मेरे को ये चीज़ बोली थी कि आप लाइक्स के लिए, तो मैडम जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, लाइक्स एकदम, लाइक करने के कोई पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो एजम्पशंस अपने दिमाग में पाल रखी हैं, ये उन्हीं के लिए, ये उसी लड़की के लिए जिसने नेगेटिव कमेंट किया था। ये जो आपने नेगेटिव एजम्पशन अपने दिमाग में पाल रखी है कि मुझे उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक मोटिवेशन फैक्टर होता है कि जितने वो लाइक्स आते हैं या कुछ भी होता है, तो उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो हमारा और मन करता है वीडियो बनाने का, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसमें आप ही का फ़ायदा हो रहा था, जो जिस लड़की ने ये कमेंट किया उसी का ही फ़ायदा हो रहा था, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए बोलने से पहले प्लीज़ सोच समझ के बोला करो, ठीक है। और या सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर।
एंड बाय बाय।